गुड मॉर्निंग। मैंने कल आपको 10th क्लास को पद परिचय पढ़ाया था। अभी तक मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण का पद परिचय करा चुकी हूँ। अब मैं आपको आज जैसे संबंध बोधक का पद परिचय है। संबंध बोधक किसी का संबंध जाना जाता है। जैसे मोहन घर के बाहर है तो के बाहर, कहा हमें पद परिचय करना हो तो के बाहर क्या है, के बाहर संबंध बोधक है। इसको हम अविकारी संबंध बोधक भी लिख सकते हैं और संबंध कारक भी लिख सकते हैं। अब हमारा समुच्चय बोधक है, जैसे और, परंतु, लेकिन, क्योंकि, और, अथवा, या, ये जो समुच्चय बोधक शब्द हैं, ये अगर इनका किसी का भी पद परिचय पूछा जाता है तो आप लिखोगे अविकारी समुच्चय बोधक। फिर आता है हमारा विषमादि बोधक। विषमादि बोधक जहां हमारे मन के भाव निकलते हैं, अरे वाह, शाबाश, छी, ये क्या है, ये हमारे मन के भाव निकल रहे हैं। तो जो इस तरीके के शब्दों का आपको पद परिचय करने के लिए आता है तो वो अविकारी विषमादि बोधक होगा। फिर आता है आपका निपात। निपात के अंदर आता फिर, भी, तो, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनका हमें जब पद परिचय करना होता है तो भी, तो, फिर, ये होता है किसी भी चीज पर बल देना। निपात होता है किसी भी चीज पर बल या जोर देना। तो निपात में हमें इनका पद परिचय करना है तो क्या लिखोगे, अविकारी निपात। तो हमें इनकी पहचान रखनी होती है। मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि पद परिचय मैंने आपको सारा करा दिया। जैसे संज्ञा के पद परिचय क्या होता है, व्याकरण के आधार पर पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के कई आधार पर दे सकते हैं हम, जैसे संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर, क्रिया, कारक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, निपात, इन सब के आधार पर हम पद परिचय पूछा जा सकता है हमसे। तो हमें सबसे पहले पद परिचय करने के लिए हमें इनकी पहचान होनी आवश्यक है, क्योंकि मैंने आपको सारी पहचान बता चुकी हूँ मैं। फिर भी अगर आपको ये पहचान नहीं हो पाती है तो आपको अपनी पूरी ग्रामर एक बार फिर से रिवाइज करनी होती है, जब हम आसानी से पद परिचय कर सकते हैं। जैसे संज्ञा का पद परिचय कराया था, संज्ञा के तीन भेद बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम के मैंने छह भेद बताए थे, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये संकेतिक वाचक, ये किसके थे, सर्वनाम के। विशेषण के मैंने चार भेद बताए थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। क्रिया विशेषण के मैंने चार भेद बताए थे, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक। समुच्चय बोधक का बताया था मैंने आपको कि समुच्चय बोधक जहां और, परंतु, लेकिन, ये जो समुच्चय बोधक शब्द लगाए जाते हैं। संबंध बोधक का बताया था किसी का संबंध, जैसे के अंदर, के बाहर, के नीचे, के ऊपर, इस तरीके के आते हैं, उनसे उनका संबंध जाना जाता। विषमादि बोधक का बताया था मैंने आपको, हे, अरे, शाबाश, छी, जहां हमारे मन के भाव निकलते हैं। कारक का बताया था मैंने आपको, कारक के आठ भेद बताए थे मैंने, और उन आठ भेदों की जितनी भी विभक्ति होती है, उन आठ भेदों की जितनी भी विभक्ति चिन्ह है, उन विभक्ति चिन्हों को अगर लगा हुआ आ जाता है तो हमें कारक के भेद पहचान करके उनमें करना होता है। कारक के कितने भेद बताए थे मैंने, आठ, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का की, संबोधन, हेरा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, और पद परिचय इसी के आधार पर होता है। पद परिचय में उसके जो नाम है, किसका है, जैसे संज्ञा का है, उसके भेद, ये सब चीजें याद रखनी पड़ती हैं। अविकारी के मैंने आपको पांच भेद बताए थे, क्रिया विशेषण, और तुम्हारे समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमादि बोधक और निपात। तो अगर आपको इस तरीके के इनके कोई भी आ जाता है तो आप पहले लिखोगे अविकारी, क्रिया विशेषण, और अगर क्रिया विशेषण के भी चार भेद बताए थे, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, तो उसमें भी फिर अविकारी, क्रिया विशेषण,
फिर उसका काल वाचक है या रीति वाचक है जो भी है वो आपको लिखना है, जो भी भेद आएगा। संबंध बोधक में मैंने आपको किसी का किसी से जैसे संबंध बताया था, घर के अंदर के बाहर के ऊपर के नीचे उसका उससे संबंध दिखाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, संबंध बोधक। मैंने समुच्चय बोधक बताया, समुच्चय बोधक में जो और परंतु लेकिन क्योंकि ये सभी चीजें आती हैं, तो ये क्या है हमारा समुच्चय बोधक, जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़, शब्दों को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है, वो समुच्चय बोधक शब्द है। फिर मैंने आपको निपात बताया था, निपात होता है किसी भी चीज पर बल या जोड़ देना, जैसे भी तो फिर, ये क्या है निपात, हमें किसी चीज पर बल दे रहे हैं कि जैसे वह घर भी गया, वह भी उस पर बल दिया गया, वह आया तो ये क्या है, ये सब निपात है। निपात होना किसी चीज पर बल या जोर देना, फिर भी तो ये निपात बल देना। तो पद परिचय, सबसे पहले पद परिचय के लिए यही है कि हमें सारी व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए, जो टोटल व्याकरण मैंने आपको इसके अंदर सारी रिवाइज कर दी। और पद परिचय के लिए हमें बार बार इसे ग्रामर को, व्याकरण को एक बार रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे ये सही तरीके से रिवाइज होते हैं, याद होते हैं, तो हमारा पद परिचय आसानी से हो जाता है। पद परिचय वही कि पदों का व्याकरण के आधार पर परिचय देना पद परिचय है, इसलिए व्याकरण के हमें सारी सही तरीके से आनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो 10th क्लास का सिलेबस है रस, उसको करा।